क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज गिवन, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ संजय ब्रदर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस या फिर फॉलोइंग बैलेंसेस. कुछ यहाँ पे बैलेंस गिवन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, उसके बेस पे अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होगा. किसका? संजय ब्रदर्स का. और ईयर कौन सा है? 31 मार्च 2018 ईयर एंडेड गिवन है. सो लेट्स बिगिन. इन द क्वेश्चन नंबर चेंज कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ संजय ब्रदर्स. सो संजय ब्रदर्स ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, यहाँ पर क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन के बेस्ड हमने, लेकिन इसका भी फॉर्मेट सेम रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट के जैसे. अंडरस्टूड? दैट इज पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट. यहाँ पर फर्स्ट आइटम ऑलवेज अपने को देखना है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस. सो जिस क्वेश्चन में फुल क्वेश्चन रहेगा जो, उसमें हम लोग फर्स्ट लाइन छोड़ के रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? सो हम लोग इसमें भी वही करते हैं, पहला लाइन छोड़ देंगे, ठीक है? और जो भी आप इंटरेस्ट पोस्ट करेंगे अभी सेकेंड लाइन से करने वाले. सो फर्स्ट आइटम क्या है? बैंक चार्जेस. यस, बैंक चार्जेस क्या होंगे? डेबिट, बिकॉज दे आर अवर एक्सपेंस. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैंक चार्जेस. अमाउंट इज 22,000. सो डायरेक्टली क्रेडिट डेबिट, सॉरी डायरेक्टली आउटर कॉलम. देन नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट क्रेडिट. इंटरेस्ट क्रेडिट साइड दिया मीन्स इंटरेस्ट रिसीव्ड है, जो इंटरेस्ट हमने रिसीव किया. सो इसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे एक लाइन छोड़कर. बाय इंटरेस्ट क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट. अमाउंट इज 16,000, नॉट 16,000. नेक्स्ट आइटम सन्ड्री एक्सपेंसेस. टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अमाउंट इज 42,000. नेक्स्ट इंश्योरेंस इज गिवन 35,000. सो इंश्योरेंस इज ऑल्सो अवर एक्सपेंस. सो टू इंश्योरेंस अमाउंट इज 35,000. देन सैलरीज. यस, तो टू सैलरी फटाफट बोलो थोड़ा. टू सैलरी अमाउंट इज 14,400. देन रेट्स एंड टैक्सेस. सो टू रेट्स एंड टैक्सेस 13,000. देन पोस्टेज. यस, टू पोस्टेज अमाउंट इज 8,000. देन टू एडवर्टाइजमेंट 40,000. यस, एडवर्टाइजमेंट. देन व्हाट इज रेंट? टू रेंट 32,000. देन बैड डेट्स. टू बैड डेट्स 10,000. देन कमीशन. कमीशन व्हाट इज गिवन? कमीशन ऑली ना, सी आर लिखा, डेट इज क्रेडिट. सो बाय कमीशन. बाय कमीशन, ये कमीशन जो रिसीव हुआ है वो है कितना अमाउंट? 17,500. देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. सो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 21,000. नेक्स्ट लॉस बाय फायर. टू लॉस बाय अमाउंट इज 18,000. डिस्काउंट डेबिट साइड का है. सो टू डिस्काउंट
ये डिस्काउंट गिवन है, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, दैट इज डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट इज 23,000, देन डिस्काउंट करेंगे, तो बाय डिस्काउंट, ये क्या है डिस्काउंट रिसीव है, अमाउंट इज 37,000, देन मिसलेनियसिंग, तो ये इनकम है और जो भी इनकम होंगे क्रेडिट साइड आता है, सो बाय मिसलेनियस इनकम अमाउंट 14 बोलो ना पूरा 14,000, देन डेप्रिसिएशन डेबिट साइड आएगा 2 डेप्रिसिएशन अमाउंट 34,000, देन कैरेज आउट ऑफ यस 2 कैरेज आउट ऑफ 60 कितना है 60 60 हां देन 2 गोडाउन एक्सपेंसेस अमाउंट इज 40,000 देन ग्रॉस प्रॉफिट, सो ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आता है और ग्रॉस लॉस रहेगा तो ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बाय अमाउंट इज 4,07,500 फिनिश, कितना ही दिया है ना, अब हम क्या करेंगे इसे बैलेंस बराबर ना, अब आती है बैलेंस पर, बैलेंस करने के लिए पुराना मेथड टोटल इसका और इसका टोटल, इसका टोटल करके क्या करेंगे यहाँ लिख लेंगे और इसका टोटल करके यहाँ लिख लेंगे ठीक है, तो हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 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 कहीं भी लिख सकते हैं कुछ इशू नहीं है ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो देखो ये कितना है 4,00,000, तो 4,00,000 को इसी रह देते हैं, पहले इनको ऐड कर लेते हैं, तो देखो चलो पूरा टोटल साथ में ऐड करते हैं 20 उसके बाद 5 10 ये भी 0 आया कैरी वन फोर्थ डिजिट लेना 1 2 3 4 तो 8 7 और 1 8 8 और 6 14 14 और 7 21 20 और 1 21 और 7 28 28 और 4 32 सो 2 कैरी 3 3 4 5 8 9 और ये 4 कितना है 4,92,000 इस साइड का करते टोटल ठीक है, सो लगभग 0,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 
32, 4, 4, 5, 9, 9, 3, 12, 12, 8, 20, 20 or 2, 22, 22, 23, 23 or 8, 31, 31 or 3, 34 or 4, so 38, carry 3, 34 or 4, 9 or 3, 12 or 4, 16, 16 or 1, 7, 20, 16 or 1, 7, 17, 17 or 4, 21, 21 or 3, 24 or 1, 24, 25, 26 or 1, 28 or 2, 30, 33 or 6, 39, 39 or 4, 43. तो कितना 438,000 और वो कितना है 492,000. वापस थोड़ा सा स्पेस छोड़ने क्या कर लेना है, वन लाइन ऊपर और डबल लाइन नीचे ड्रॉ कर लेना है.
सेम लाइन पे इधर भी करना, आउटर कॉलम में वन लाइन ऊपर और टू लाइन नीचे। ग्रेटर किस साइड के, क्रेडिट साइड का ज्यादा है, सो क्रेडिट साइड का 4,92,000 दोनों साइड लिख लेंगे, 4,92,000। अब 4,92,000 में से 38,000 क्या कर देंगे माइनस, तो 0,0,0, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, दैट इज 54,000। दिस इज अवर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अंडरस्टूड। सो क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट कितना है, 4,92,000, दैट इज हायर अमाउंट, और डेबिट साइड का कितना था, 4,38,000, विच इज लोअर। सो हायर अमाउंट को, दैट इज ग्रेटर अमाउंट, हमने क्या किया दोनों साइड लिख लिया है टोटलिंग अमाउंट पे, और उसके बाद जो लेस था उसको सब्ट्रैक्ट किया हायर अमाउंट में से, दैट इज क्रेडिट साइड वाले अमाउंट से डेबिट वाले क्या किया माइनस, तो जाके आप लोग क्या मिला, नेट प्रॉफिट, दैट इज 54,000। अंडरस्टूड।